ससुरा टायर पंचर होना इतना मुसीबत वाला काम है ना। प्रॉपर टायर पंचर देखने को मिल रहा है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित और आज हम खेलने वाले हैं ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट। ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट एक जग स्टूडियो की गेम है भैया। इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं तो हम इस बार अपनी ऑफिस क्रिएट करेंगे इंडिया में। चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ है लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंट्री, मतलब यार हम अपने अपने जगह पर से अपनी जो ऑफिस है वो क्रिएट करेंगे बढ़िया बढ़िया से। कोयम्बतूर जैसे यहाँ पर वडोदरा होना चाहिए था और है यहाँ पर वडोदरा भैया अपनी सिटी। तो यहाँ पर इन चाचा को हटा देते हैं, ये बढ़िया लगा मुझे। ओके, कोई सांप वगैरह का फोटो है भैया, ये बढ़िया। ये तो बढ़िया है, ये बढ़िया है। सो कंपनी नेम होगा केम गुरु जी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जी जी। सो यार गेम में ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब यार गेम का सारा फीचर्स एकदम फुल्ली लोडेड है और यहाँ पर हमने अल्ट्रा सेटिंग पर गेम कर दिया। लिटरली गेम के जो फीचर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। अभी यहाँ पर ऑनलाइन गेम भी खेला जा रहा है, 3000 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन इस गेम को खेल रहे हैं। हम यहाँ पर करियर में ही स्टार्ट करेंगे तो क्या कुछ चीज़ें होती है वो देखते हैं। वेलकम टू द ट्रक सिमुलेटर। ओके, तो हम कंपनी में जाना है, लेट्स सी। अब यार यहाँ पर गेम में जो 900 MB की गेम है ना, गेम को अब थोड़ा इवेल्यूएट किया गया है। अभी आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग आपको फीचर्स मिलेंगे। अब हम वडोदरा में अपनी जो है ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। वाह, डेस्क बना दिया हमने, रिसेप्शन डेस्क। अब कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं सर्च एम्प्लॉय और यहाँ पर नेहा, भैया नेहा और पार्थ किसको ले, किसको ले। नेहा कम सैलरी लेती है तो हम नेहा को ही जॉब देंगे। सो सही में इंडियन नेम्स रखे हुए इन लोगों ने, सो दैट्स मेक अ सेंस, लिटरली मेक अ सेंस। तो यहाँ पर हमें दो जॉब मिल रही है, एक ये रही 8.2 की स्टॉक का कुछ है तो हम ऐसे करते हैं। सैमसंग, इस बार इन्होंने अपने कंपनीज़ का नाम लिखा हुआ है, लिटरली कंपनीज़ का नाम लिखा हुआ है, सो दैट इज लिटरली बहुत सही। बिकॉज मतलब यार इन लोगों ने सारी चीज़ों का ऐसे नाम लिखा हुआ। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो यार, प्लेन भी है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करनी होगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग आपको कार्गो शिपमेंट देखने को मिलते हैं। आर्मी टैंक गाइस, लिटरली मजाक हो रहा है मेरे साथ क्या, आर्मी टैंक भी है यार। ये तो गेम में मतलब यार एकदम बढ़िया सी चीज़ें हो रही है इस गेम में। ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट लिटरली बहुत ज़्यादा है। ओ वाह 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 भैया, गेम के ग्राफिक देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया हूँ। सो ये ब्राज़ीलियन ट्रक है, इंडियन ट्रक नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडियन ट्रक है लेकिन नहीं यार दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं, ये ब्राज़ीलियन ट्रक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सही ये ट्रक लग रहा है मुझे। ओह वाह, क्या बात है, क्या ग्राफिक्स है, लिटरली ग्राफिक दमदार ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और इस बार इन्होंने एक फीचर दिया है कि यार भैया आप खुद जाओ, खुद ट्रेलर अटैच करो, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, जो एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग व्हील है मुझे लगता है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप जो है नए नए ट्रक्स खरीदते रहेंगे, आपका स्टीयरिंग व्हील वगैरह जो है चेंज होता रहेगा। जाने दो। ओके, ओहो कुछ हो रहा है, आहा सही में बढ़िया चीज़, बढ़िया चीज़। इन्होंने स्टॉक का सिंस 1981
बहुत बढ़िया। मैंने सोचा ये दीदी बोल क्यों नहीं रही, अब बोल दिया उन्होंने। वाह ये भी बढ़िया, हाईलाइट वगैरह बहुत ज़्यादा सही जगह पर दी हुई है। अंदर से इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा सही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अरे हाँ दीदी शांति रखो भैया, बच्चे की जान लोगे क्या। सो यहाँ पर कोई इंडियन रूट वगैरह रोड वगैरह ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्गो वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा सही है, वो बहुत मुझे अच्छे लगे। 1500 किलोमीटर की जर्नी है जो हमें करनी पूरी है। ऐसी स्पीड में चलेगा तो थोड़ी चलेगा। ओ भाई ये एक नई फीचर्स है कि आपको ये मिल जाता है। बहुत अलग अलग चीज़ें है इस गेम में, पर यार यहाँ पर इस गेम में एक ही लफड़ा है। ससुरा कुछ समय बाद सीधा सिंगल पट्टी का रूट दे देते हैं, चलाओ चलाओ चलाते ही जाओ, कुछ अच्छी नई नई चीज़ें हो तो मज़ा आए। वैसे इस बार कंपैरेटिवली उसके जो बस सिमुलेटर अल्टीमेट है उससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ इंडिया के रूट्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं जो इन्होंने लिखे हुए, मतलब यार इन्होंने एम्प्लॉयज़ भी इंडिया के रखे हुए, अब नाम भी उनका जो है इंडियन रखा हुआ है, ये सबसे बढ़िया लगा। गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा सही है और अल्ट्रा सेटिंग में तो गेम कुछ और ही नज़र आती है और मज़ा ही आता है। और अब इन्होंने कंपनीज़ का खुद जो है नाम रखना शुरू किया है सही से, तो ये एक चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ पर रूट वगैरह आप देख रहे हैं कि ये बस सिमुलेटर अल्टीमेट वाले क्यों रूट लग रहे हैं मुझे, आई डोंट नो, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है सारे रूट वगैरह सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर बस की जगह यहाँ पर ट्रक को बिठा दिया गया है बढ़िया से, और यहाँ पर जो अलग अलग कार्गोस वगैरह है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर लोग मज़ा उठा रहे हैं इस नज़ारे का, और हम यहाँ पर सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं। ओहो हो इंडिया में ये कब हुआ और कहाँ पर आता है मुझे नहीं पता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा कंट्रोल है और एक फ्लेक्सिबल कंट्रोल देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये फिर से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो आपको नॉर्मली देखने को मिलती थी सारे में। ठीक है तो अब यहाँ पर पुणे, पुणे दो जगह स्ट्रेट जाओ तो भी पुणे, राइट जाओ तो भी पुणे, भैया हमेशा मतलब यार मजाक हो रहा है। अब यार साइड में फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा सही लगाए हुए हैं इन लोगों ने, ये एक अच्छी चीज़ देखने मिलती है। यहाँ पर जो रूट्स वगैरह है, यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह, ये एक नई चीज़ है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, अभी तैयारी हो रही है भैया बढ़िया से बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की, बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। गेम में ग्राफिक्स तो एक नंबर है, साथ ही साथ यहाँ पर रोड्स वगैरह तो पिछले वाले जैसे ही लग रहे, आधे रूट जो बस सिमुलेटर अल्टीमेट में आपको देखने को मिलते थे, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको पहले प्रीवियस वाले में भी देखने को मिलते थे यही सेम एक्सीडेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सिमिलर देखने को मिलती है जो आपको इससे पहले वाले गेम में भी देखने को मिलती थी बस सिमुलेटर में। अब यहाँ पर नेम जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पर ट्रक सिमुलेटर हो गया। यहाँ पर आपको FM वगैरह का सिस्टम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर बढ़िया से ये जो है क्या है, तो ये FM है या AC है, AC है आई थिंक। हाँ ओके, पर यार दरवाज़ा खुले कहाँ से,
अब थोड़ा ब्राइट लग रहा है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको सारे लाइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये प्रॉपरली जो है उन लोगों ने इस वाला ट्रक के लिए नहीं बनाया है, पर सारे ट्रक के लिए ऐसे एक लाइन में सबको डाल दिया कि लाइट ऐसे दिखेगा। और ये एक मतलब आई डोंट नो कैसे क्या कुछ किया हुआ इन लोगों ने, बट ये चीज़ें देखने लायक है कि समझने लायक है। 1185 किलोमीटर अभी तक, तो बहुत दूर तक जाना है हमें। वैसे हॉर्न बजाते हैं, ये आता है इसे। ओके, इससे हैंड ब्रेक लग रहा मुझे। ओके, तो हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ये फास्ट टैग हो तो बढ़िया है। ₹100 ले ली, बहुत महंगा है भैया। ग्यारह सौ किलोमीटर के करीब बचा है और ट्रैफिक बढ़िया से है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ट्रैफिक यहाँ पर बढ़िया है। यहाँ पर ये जो ट्रक है वो बहुत स्लो चल रहा है, पर फिर भी हम चलाएंगे इसे स्लो स्लो ही सही। लो भैया पंचर हो गई। ये मुसीबत कहीं पर जाएगी नहीं। ससुरा टायर पंचर होना इतना मुसीबत वाला काम है ना। प्रॉपर टायर पंचर देखने को मिल रहा है, ये बढ़िया था यार, ये एक न्यू फीचर है जो आपको देखने को मिलता है। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर टायर प्रॉपर बता रहे कि हाँ भाई ये टायर जो है पंचर हो चुका है। सो अब ये लोग सर्विस करेंगे, ₹500 ₹600 तो ऐसे चले गए, मुझे ₹8,700 मिलने वाला है इसमें, तो मतलब यार आधे पैसे तो ऐसे ही चले जा रहे हैं मेरे तो। टायर पंचर में आधे पैसे, मुझे लगता है इन लोगों ने कील यहाँ पर छुपाई हुई है यार, हर बार ऐसे थोड़ी चलता है। साइड में ले लेते हैं गाड़ी को, गाड़ी को धीरे 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 बसा रही है बस भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टनल आ रहा है, हम आराम से निकल चुके हैं बस वाले से, तो बच के बचाते। इन्होंने सेंटर में दिया होता ना हॉर्न तो मज़ा आ जाता यार। अरे वाह क्या हॉर्न बजाया भैया। अब स्पीड थोड़ा ढलान की वजह से बढ़ा है, तो हम फटाफट फटाफट अपनी गाड़ी को भगा देते हैं। वैसे यहाँ पर कार्गोस अलग अलग देखने को मिलता है,
वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये गेम को ETS 2 की तरह बना, ऊपर बुलेट ट्रेन जा रही है भैया अहमदाबाद से मुंबई, गजब, ये तो बहुत सही था। फिर से पंचर हो गया क्या, बुलेट ट्रेन जा रही है भैया, सच बता रहे हो, अभी तक हमारे यहाँ पर आई भी नहीं है। ऐसे थोड़ी चलता यार, हमारे यहाँ पर आई नहीं है और इन लोगों ने पहले से ही फीचर करके रख दिया भैया बुलेट ट्रेन वडोदरा से, पर हम पूना जा रहे हैं अभी, तो हो सकता है बीच में कहीं आए, मतलब अभी रियल में तो कुछ नहीं आया, पर फिर भी ऐसे ही, मतलब इन फ्यूचर आएगी ज़रूर, वो तो है ही। अब मुझे ये जग पास से ही जाना होगा, तो सट सट मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, पैसे अपने आप कट जाएंगे और मैं फटाफट से निकल जाऊंगा। बीच बीच में खड्डे बहुत आ रहे हैं भैया, 700 किलोमीटर के करीब रहा है, 750 किलोमीटर के करीब, और होटल्स वगैरह यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। वैसे हमें भूख तो लगी नहीं है तो हम अभी रोकने वाले नहीं हैं, हमें होटल्स नहीं मोटेल्स की ज़रूरत है, मोटेल जहाँ पर ट्रक्स वगैरह खड़ी रहती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये गलत चीज़ किया, इनको मोटेल रखना चाहिए था, मोटेल्स जहाँ पर हम खा सके। ऐसे यार यहाँ पर ये बुरी चीज़ की है उन लोगों ने। भैया और दिखना बंद हो जाएगा, ये तो बंद ही रखो, खोल देते हैं हम, कब की विंडोज हमने खोली नहीं थी। अरे अंदर मत जा, पुलिस चेक पॉइंट। सब कुछ एक ही रूट पर सब कुछ आ रहा है भैया आज तो। क्या देखो भाई, बच्चों के खिलौने लेकर जा रहे हैं हम, बच्चे रो रहे हैं वहाँ पर। कहाँ भाई कहाँ चल दिए, ओ सिट भैया कहाँ चल दिए थे यार ये। कहाँ ही क्या ही सीन चल रहा है इसके तो, भैया डर लग रहा है मुझे तो अब तो, कि अब इसमें क्या ही कुछ होगा। पंचर हुआ पहले तो, उसके बाद ये पुलिस चेक पॉइंट में गाड़ी भगा रहा है खुद से, मतलब यार ड्रग लेकर जा रहा था क्या, मैं सीधी आगे ठोक दी उसने गाड़ी सीधी डिवाइडर पर, मैंने तो बढ़िया ब्रेक मारा था, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, कोई रीज़न होगा पता नहीं। ले ये बार बार ये विंडो बंद क्यों हो रही। ओहो हो भैया सीट एडजस्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले। तो ये भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, मुझे थोड़ा नीचे चाहिए ताकि मैं आराम से देख सकूँ कोई जगह क्या है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। 600 किलोमीटर अभी भी है भैया, बहुत ज़्यादा दूर जाना, अभी मंजिल बहुत दूर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मतलब यार ये जंगल कैसे बनाया हुआ है, किसने बनाया सलो ससुरा, हमें बता देते यार, हम बताते कि कौन से पेड़ इंडिया में होते हैं यार। ऐसे यार बेइज्जती नहीं करने की यार। जो सारे पेड्स है वो सारे अमेरिकन ट्रीज़ है, अमेरिकन यूरोपियन ट्रीज़ मोस्ट ऑफ सारे। ये चीज़ देखने को, मतलब यार फ्यूल कम है हमारे पास, आई डोंट नो अब हम क्या कर पाएंगे। 500 किलोमीटर अभी भी है और फ्यूल कम है, मतलब यार लोचा लापसी हो सकता है इसमें।